गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चैप्टर टू आंसर क्वेश्चन वी रीडिंग एंड ओपन योर बुक। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिनुडेशन, डिपोजिशन, वेदरिंग एंड इरोजन। राइट आंसर सी, वेदरिंग। क्वेश्चन टू, कंटूर प्लोइंग एंड टेरेस कल्टीवेशन इज कॉमन अमोंग, कंटूर प्लोइंग एंड टेरेस कल्टीवेशन इज कॉमन अमोंग अलोंग ए रिवर वैलीज, टू स्टीप स्लोप्स, सी डेल्टास, डी प्लेन। राइट आंसर बी, स्टीप स्लोप्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इज नॉट ए कंजर्वेशन मेथड ऑफ वाटर रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इज नॉट ए कंजर्वेशन मेथड ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ए वाटर हार्वेस्टिंग, बी पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, सी मल्टीपर्पोज प्रोजेक्ट्स, डी जुडिशियल यूज ऑफ वाटर। राइट आंसर बी, पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। ओके, क्वेश्चन बी, मैच द फॉलोइंग कॉलम ए एंड कॉलम बी। क्वेश्चन नंबर वन, शेल्टर बेल्ट्स सॉइल कंजर्वेशन, बायो रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ए। क्वेश्चन नंबर थ्री, सॉइल फॉर्मेशन वेदरिंग बी। फोर वाटर हार्वेस्टिंग कंजर्वेशन ऑफ वाटर। फाइव क्वेश्चन नंबर, टोटल लैंड एरिया ऑन द अर्थ। क्वेश्चन आंसर डी 29%। मैच अगेन, वन ई, टू ए, थ्री बी, फोर सी, फाइव डी। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री, सी स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, डिफॉरेस्टेशन इज प्लांटिंग ऑफ ट्री, डिफॉरेस्टेशन इज द प्लांटिंग ऑफ ट्री, फॉल्स। टू, टेरेस फार्मिंग इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेप्स और टेरेस ऑन हिल स्लोप टू कंट्रोल सॉइल इरोजन, ट्रू। थ्री, इन दिस डियर्स फॉरेस्ट ट्री शेड देयर लीव्स इन ऑल सीजन्स, फॉल्स। मैच अगेन, क्वेश्चन थ्री, सी स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन वन फॉल्स, टू ट्रू, थ्री फॉल्स। नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिव शॉर्ट आंसर इन वन लैंग्वेज, इन वन वर्ड्स एंड देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ वर्ड, बट योर आंसर विल बी 20 और 25 वर्ड्स ओनली। लिस्ट आउट द फैक्टर अफेक्टिंग एंड लैंड यूज पैटर्न ऑफ एन एरिया। क्वेश्चन फर्स्ट, लिस्ट आउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज पैटर्न ऑफ एन एरिया। यू ऑल्सो नो दैट व्हाट इज द ज्योग्राफिकल फैक्टर दैट अफेक्ट द लैंड यूजेस। फर्स्ट, लैंड यूजेस पैटर्न अफेक्ट द फॉलोइंग, रिलीफ, क्लाइमेट, टेम्परेचर, वेजिटेशन, लैंड स्लोप एंड सॉइल एटीसी। वाई इज लैंड यूज प्लानिंग एसेंशियल। क्वेश्चन नंबर टू, वाई इज लैंड यूज प्लानिंग एसेंशियल। आंसर, यू ऑल्सो नो दैट द एरिया ऑफ लैंड इज लिमिट, सो इट इज वेरी गुड फॉर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज एंड according to economical and time and place
you have to plan land uses like commercial, agriculture, for industrialization, industry. So according to time and according to place and according to your money, it is very essential to plan land uses. Planning is very important, how we use land according to situation, according to money, according to or time. Next, three, in what different ways is land degradation caused? Degradation caused, it is depend on rainfall, area of high rainfall covered with forest, the area of moderate rainfall are covered with grassland. Overgrazing, again, in what different ways the land degradation caused? There are many factors of soil degradation for in geography, but there is some important causes, there are some ways is land degradation caused are, first, human factors like deforestation, overgrazing, mining, construction, urbanization, excessive use of fertilizers and pesticides. In this way, a large number of land soil degraded every year. Estate, the factor affecting soil formation. Estate, the factors affecting soil formation. Soil, there are different geographical factors that affect the soil formation like weathering, temperature, relief, topography, vegetation. Vegetation, parent rocks, and wind, method of erosion, and method of other geographical factor that also affect the formation of soil. How is water called a renewable resource? How is water called a renewable resources? You also know that renewable resources, what is renewable resources? Renewable resources are such kind of resources that can be regenerate again. That resources are known as renewable resources. So water is a such kind of renewable resources. It can regain, regenerated by the hydrological cycle. After hydrological cycle, we can regenerate and nature also regenerate water by water cycle. So we can say water is a renewable resources. Suggest two different ways to conserve water. Suggest two different ways to conserve water. First, water conservation is a very important factor for us. But how we can conserve water? But you have to also mention two ways. First, afforestation, growing more tree. Second, rain harvesting. In this way, we can conserve water if we grow more tree, rainfalls, the water level of underground will be increased, so there is no scarcity of water. And most part of all the world, rainfalls, but we cannot store rainwater, so it is our duty to first to conserve rainwater. In this way, we can conserve rainwater. Thank you.